हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ की मैथ का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मैथ का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने अपना मैथ का कोई वीडियो नहीं डाला है। हालांकि वीडियो अपलोड तो करें हैं, बट उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ही अपलोड कर रखे हैं। बट आज हम सीरियल वाइज अपना सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसमें नहीं लिया है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, बट यह है कि आज हम पहले 2.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमारी यूज़ होती जाएंगे, जो जो फॉर्मूले जहाँ पे लगेंगे, वो आपको मैं इसी के बीचों बीच बता दूंगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बुक से टिक करवा दूंगा, आप बुक से भी उनको रीड कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको आसानी से शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप पहले 11th के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आप देख लीजिए। उसमें आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, जो आपको इन शुरू के 10 क्वेश्चंस में आपने लगाने हैं, जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने जो क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के बाद उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो था हमारा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे कुछ क्या कहते हैं फॉर्मूलाज वगैरह थे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो आपने उनके बीच में डोमेन रेंज वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। उन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है कि डोमेन रेंज और ये आपका क्या होती है, इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने थर्ड चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो आपने जब पढ़ा था, तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज थे, उन फॉर्मूलाज की हेल्प हमें यहाँ पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले आपको वही रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, जिसके थ्रू हम इन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है। तो आइए पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। यहाँ साइड में मैं आपको फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ कि फॉर्मूलाज आपके क्या होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा साइड में यहाँ बना लेते हैं, एक लाइन खींच के। ज़्यादा नहीं है, 4-5 फॉर्मूले हैं। जैसे आपको पता ही है, आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कॉस माइनस थीटा आपका इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो वही इसके बाद देखते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा कॉस थीटा होता है। उसके बाद हम लिखेंगे टेन माइनस थीटा, पेन हमने चेंज कर दिया, ब्लैक पेन ले लिया है, थोड़ा ब्लू से थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ये थोड़े फॉर्मूले जो आपने लिखने हैं, नोट करने हैं आपको, ये याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कोट थीटा। इन थोड़े से फॉर्मूलों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका हम यहाँ यूज़ करेंगे, हमें यहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को अपना हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिख लिए हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको इजीली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, इसमें हम ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 10, यानी जो हमें डायरेक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि क्वेश्चन 1 to 10 तक के हमने क्वेश्चन में एक ही चीज़ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा है मैंने, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इन सब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी हमने क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें आपको बता देता हूँ मैं कैसे इनको आप क्या फाइंड करेंगे, बिल्कुल ईजी वे में आपको बताऊँगा मैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अब स्टार्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा है, फर्स्ट देखो इसमें लिखा है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2, माइनस आप लगा लीजिएगा, थोड़ा 1/2 हो गया ये, -1/2, चलो दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स
ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, थीटा के इक्वल इसे ले लिया है। तो ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है साइन थीटा में वन अपॉन टू किसकी, थीटा का जब वैल्यू अगर हम रखते हैं तो साइन की क्या एंगल रखें हम, जो हमें वन अपॉन टू वैल्यू मिलती है, तो हमें पता है साइन थर्टी का जो वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, वन अपॉन टू होता है। तो हम इसे किस तरीके से लिख लेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, आप साइन थर्टी को आप किस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय सिक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको अभी कुछ बताया था कि साइन माइनस पाई बाय सिक्स आप इसे लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाए हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, साइन से साइन को इरेज कर देंगे। ठीक है, साइन से साइन को आप क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो आपका थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय सिक्स आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्लास इलेवेंथ में डोमेन रेंज वगैरह आपको पता है, हालांकि आप एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप देख सकते हैं जो साइन की जो रेंज और वो चलती है वो आपकी कहाँ होगी, वे यहाँ पे आप लिख लेंगे, वेयर जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा हमारा कहाँ से, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। साइन के लिए हमारा ये चलता है, रेंज जो होती है साइन की वो हमारी क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा माइनस पाई बाय सिक्स आ रहा है वो हमारा इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों ये रेंज आप अपनी बुक एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं, साइन थीटा यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसकी अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर खोलेंगे तो आपको स्टार्टिंग पेज में ही आपको इसका टेबल मिल जाएगा, रेंज डोमेन वाला और प्रिंसिपल वैल्यू वाला। तो आप उसमें से आसानी से इनको पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू हमारा किसके होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। तो आपको यहाँ पे पता है रूट थ्री अपॉन टू आपका कोस थीटा में किसका, थर्टी का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई बाय सिक्स। ठीक है, कोस पाई बाय सिक्स आप यहाँ इजिली लिख लेंगे, उसके बाद कोस से कोस आपका हट जाएगा, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय सिक्स आ जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं वेयर, ठीक है, वेयर आप यहाँ दिखा सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो टू पाई हो जाएगा, इसके बीच में आपका कोस का रेंज आता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय सिक्स है, और आपका आंसर क्या आ गया, सही आ गया। इसी तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आइए हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो आपकी कोसेक की और जो साइन की जो आपकी रेंज होती है वो सेम ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बट ये है कि इनके वैल्यूज थोड़े उल्टे होते हैं। जो कोस थर्टी का होगा उसमें जो कोस थर्टी कोसेक थर्टी जो आपका होगा वो वन अपॉन साइन करके आता है, तो आपका साइन थर्टी का वैल्यू इनवर्स यानी पलट दिया जाता है, तो आपको कोसेक का वैल्यू आपका आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख लेते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप लिखें लेट कोसेक इनवर्स टू इज इक्वल टू आप क्या सपोज करेंगे, थीटा सपोज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिख लेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका टू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थर्टी, थर्टी को आप लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स। ठीक है, पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, पाई बाई सिक्स मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, पाई बाई सिक्स, यानी कॉस इनवर्स टू की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, कॉस इनवर्स टू की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई बाई सिक्स होगी। इसकी रेंज आप यहाँ दिखा सकते हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू।
ठीक है। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसके डाउट में सारे क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैं आपको काफ़ी इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड है ये करने का इनको, ठीक है। इजीली आप इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा 10 के लिए है, तो 10 के लिए हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। 10 के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 के लिए जो हमारा वैल्यू आएगा, देखो 10 दे रखा है, पहले आप इसे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है। 10 के लिए हम यहाँ कर लेंगे, तो आइए देख लेते हैं, लेट क्या लिखेंगे आप, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, क्या ले लेंगे आप, थीटा ले लेंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने आपको यहाँ लिखवा रखा है कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस रूट 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को देखो, यहाँ मैंने आपको ये लिखवा रखी है वैल्यू, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा है, तो आप पहले इसको जो आपका रूट माइनस रूट 3 आप उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली उसे इस फॉर्म में लिख के आसानी से कट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे मैं इसे लिख लूँगा 10 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि हमारा 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे माइनस 10 थीटा हो जाएगा, आप टी को थोड़ा ढंग से बना लें जिससे आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 थीटा, यानी थीटा की जगह क्या वैल्यू आएगी, जो 10 रूट थ्री जो 10 में है, किसकी वैल्यू होती है, वो हमारी होती है पाई बाई 3 की, यानी 10 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी रूट 3 होती है। आप ये देखिए माइनस 10 पाई बाई, आप इससे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं आसानी से। तो हम माइनस 10 पाई बाई 3 को हम क्या लिख लेंगे, 10 माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं आसानी से। तो 10 थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 10 थीटा हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 3, तो 10 से 10 कैंसिल होकर थीटा का जो वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 3 आपका आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे जो अगर इसकी वो दिखाएंगे तो आप यहाँ वेयर लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू आपका करेगा कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। ये आपका 10 के लिए हो जाएगा। अब आइए अपने दोबारा फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आसानी से। देखो अब आप यहाँ देखेंगे इसे, कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो आप यहाँ पे लेट सपोज कर लेंगे, पहले देखोगे आप यहाँ पे लेट कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू आप थीटा ले लेंगे, उसके बाद आप ले लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो देखो आपको मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ पे मैंने आपको लिखा रखा है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू है पॉजिटिव में आती है, पॉजिटिव में वैल्यू लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसे कॉस माइनस में यहाँ पे जैसे दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस में कब होगा, तो जब आप 180 माइनस थीटा जब आप करेंगे तो कॉस का वैल्यू हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होगा माइनस कोस थीटा, तो इसका यूज़ अभी हम करेंगे, अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपने इसका यूज़ करना है। पहले हम नॉर्मली इसे लिख लेते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे इसे, कोस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि कोस 60 की जो वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, माइनस 1/2 होती है, ठीक है। अब हमें ये नेगेटिव साइन को हटाना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने यहाँ बता रखा है कोस माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है, पर आप कोस पाई माइनस थीटा करेंगे तो आपको माइनस कोस थीटा आएगा, यहाँ पे देखो दिखा रखा है, तो माइनस कोस थीटा की फॉर्म में तो ये आ चुका है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम इसमें जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख लेंगे, कोस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा की जगह हमारा कितना है, पाई बाई 3 है, और माइनस हमारा आगे से लगा हुआ है, कोस हमारा ये है, ठीक है। थीटा की जगह हमने पाई बाई 3 लिया, इस पूरे को हमने किस में चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, पाई हमारा वैसे का वैसे ही रहा, थीटा को हमने कितना पाई बाई 3 ले रखा है। अब इसको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाएंगे यहाँ पे, तो कोस 3 पाई माइनस पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे इजीली जो इसका आंसर आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कोस से कोस कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2π/3। आपको इसकी रेंज आपको पता ही है, जीरो से कहाँ तक जाती है, पाई तक जाती है, तो आप उसको वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन में बता रखा है, यही रेंज आप यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो इजीली इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को अपने कर लेंगे। आइए हम अपने 6th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू आप थीटा सपोज करिए, फिर टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे कैसे लिख लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू -10π/4। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको यहाँ मैंने कहीं करवा रखा है टेन वाले क्वेश्चन से, देखिए नीचे करवा रखा है मैंने, यहाँ पे आपको मैंने लिखवा रखा है टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू -10θ होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, -10θ आपका टेन -10θ में आ जाएगा, तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, ये टी है आपका, माइनस मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगा दिया है इसका। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे सही करके लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन -π/4। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, टेन से टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर चुके हैं, रेंज आपकी वही रहेगी -π/2 से π/2 आपकी रहेगी टेन थीटा के लिए। अपना नेक्स्ट देखते हैं हम सेक वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे ये वाला पार्ट ना हमारा शो हो, यहाँ पे भी हम थोड़ा बॉक्स बनाते हैं नीचे वाले के लिए भी। तो देखो सेक 2/√3, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे लेट, देखो काफ़ी सिंपल छोटे छोटे मेथड से आपको मैं करवा रहा हूँ इजी वे में। अब स्कूल में आपको किस तरीके से कराते हैं आप उस चीज़ को स्कूल में देखेंगे जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे। अभी फ़िलहाल स्कूल ओपन होने का तो कोई अभी मतलब है नहीं कुछ टाइम तक, तो फिर भी आप इसी इजी मेथड को सीख लीजिए आराम से, जिससे आपको क्या काफ़ी हेल्प मिले। आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से मेथड आ जाएगा। ठीक है, आप लेट लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा 2/√3। तो आपको पता है यहाँ पे 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है sec में। sec 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 2/√3 होती है, क्योंकि cos का ये अपोजिट होता है, या आप क्या कह सकते हैं sec cos जो है sec का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, 1/√3 में रखते हैं तो इनवर्स हो जाता है वो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं sec theta इज इक्वल टू, आप यहाँ दिखा देंगे sec π/6। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा रहे sec π/6, आप यहाँ आसानी से दिखा देंगे, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। आपकी जो ये रेंज रहेगी आपकी 0 से π रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जो sec और cos की वैल्यू होती है, सॉरी रेंज होगी, वो दोनों की सेम रहेगी आपकी, जैसे sin और cosec की आपकी सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे वेयर थीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाए, 0 से π। ठीक है, इसलिए आप इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे cot inverse √3, हमारा इसके बाद है cot inverse √3 को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट cot inverse √3 इज इक्वल टू, आप क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cot θ इज इक्वल टू, आप लिखेंगे √3। तो आपको पता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे जिससे आसानी से दिख जाए आपको, तो आपको पता है √3 जो वैल्यू होती है cot θ में, आपको 30 की वैल्यू होती है, तो आपका यहाँ आ जाएगा cot π/3। ठीक है, cot π/3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, cot π/3 की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपकी कितनी होगी, cot π/3 की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी, आपकी √3 हो जाएगी, cot π/3 नहीं होगा, ये cot π/6 होगा, क्योंकि cot 30 की वैल्यू होती है, मैं cot 30 को π/3 के उसमें समझ रहा हूँ, सॉरी कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो cot जो π/6 होगा वो आपका √3 के इक्वल होगा, क्योंकि 6 से 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 आएगा, तो cot 30 जो होता है वो आपका √3 होता है। तो आपका यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा इजीली क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा यहाँ पे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाई मिस्टेक हो गया है, मैंने √3 समझा, cos 60 समझ के मैंने π/3 बोल दिया आपको, तो बट ये cot 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी π/6 होती है। आप वेयर रेंज टू यहाँ पे जो दिखाएंगे, वेयर आपकी जो इसकी रेंज आएगी, जो आपकी रेंज आएगी वो आपकी 0 से π की आएगी। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा 0 से
पाई, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे आसानी से। अब हमारा देखते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो अपने हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। देखो यहाँ पे लिखा है कोस इनवर्स 1/2 यहाँ पे लिखा है, तो आप लेट सपोज कर लीजिए। आप क्या सपोज करें, लेट कोस इनवर्स -1/2 ठीक है इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा थीटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू में आप लिखेंगे कोस थीटा। देखो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था ठीक है, -1/2 कोस माइनस में कब होता है, जब आपको मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। देखो पाई माइनस थीटा जब हम करते हैं तब आपका कोस माइनस में आता है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस कोस 1/2 यानी 45 का वैल्यू होता है यानी पाई बाई 4 ठीक है। तो आप इसको रिवर्स करके यानी इस वाले पोर्शन को रिवर्स करके इसमें कन्वर्ट करेंगे ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, जैसा हमने यहाँ पे किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 4 ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे कोस से कोस को कैंसिल कर दीजिए, थीटा पर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे 4π - π/4 तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे बिलोंग्स रेंज तो आप यही वाली लगा देंगे जो हमने यहाँ पे कोस वाले में हम लगाते हुए आ रहे हैं, 3π/4 इसका वैल्यू आ जाएगा। हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, क्या है इसमें। देखो लिखा है कोसेक इनवर्स, तो आप पहले लेट लिख लीजिए जैसा हर क्वेश्चन में हम लिखते हुए आ रहे हैं। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे ठीक है। यहाँ पे आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -√2 ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक √2 आपका जो वैल्यू होगा 45 का होगा यानी पाई बाई 4 आपका हो जाएगा। तो कोसेक में आप देख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस थीटा, तो आपका यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ से आपको जो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, जो आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू आएगा आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। ये आपका इजीली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हमने 2.1 के जो है शुरू के जो 10 क्वेश्चंस हैं प्रिंसिपल वैल्यू जिसमें हमने फाइंड करना था वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। दोस्तों जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मैं वीडियो इसमें बना के आपके डाले हैं ठीक है, फिजिक्स के हालांकि डाले हैं, अभी केमिस्ट्री का भी हमने कोई वीडियो बना के नहीं डाला है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके और छोटा मेथड वो सीख सकें दोस्तों ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।